प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार के लिए आज बीकानेर से 9 प्रचार रथों को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी रथ जिले की 9 पंचायत समिति के गांवों में 20 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार करेंगे और किसानों को बीमा करवाने के लिए जागरूक भी करेंगे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को योजना के प्रचार प्रसार कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। आज 9 वाहन रवाना हुए हैं जो कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा कराने के लिए मोटिवेट करेंगे, उनको जानकारी देंगे, प्रेरित करेंगे। 31 जुलाई तक जो कृषक अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं, चाहे वो ऋणी हो या गैर ऋणी हो, वो सभी अपनी फसल का चयन करके उसका बीमा कराएं। जो मौसम की अनिश्चितता है उसके कारण उत्पादन उतना नहीं हो पाता जितना अपेक्षित है, तो कभी कभी ऐसी मौसम की अनिश्चितता से बचने के लिए, किसान को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी किसानों से अपील करता हूँ कि ज़रूर वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भी अपनी फसल का बीमा करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का खरीफ 2022 में जन जन तक पहुँचाने के लिए ये जो रथ रवाना किए जा रहे हैं आज कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में, इसमें सभी लोगों से आह्वान किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी फसल का बीमा करवाएं। इसमें लोनी जो काश्तकार हैं उनका फसल का बीमा स्वतः ही बैंक द्वारा किया जाएगा। यदि वो बैंक को लिख के नहीं देते हैं, यदि उनको बीमा चेंज करना है या नहीं करना है, बीमा ऑप्ट आउट होना है, तो वो 24 तारीख तक अपना लिख के दे सकते हैं। यदि कोई काश्तकार यदि अपना बीमा की फसल चेंज करना चाहता है तो 29 जुलाई तक अपना बीमा की फसल को चेंज करा सकता है। विभिन्न ब्लॉक अपने बीकानेर जिले में 9 ब्लॉक हैं, प्रत्येक ब्लॉक में जाएंगे और वहाँ जो है ना प्रत्येक गांव में जाएंगे और किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि जो अपने बीकानेर जिले में एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन रहती हैं जिसके कारण यदि नुकसान होता है फसल का, तो वो फसल बीमा जो करवा लेंगे फार्मर, तो उससे उसको लाभ मिलेगा।